हेलो एंड वेलकम TV9 के मेगा पॉलिटिकल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साइटेक स्टूडियो में आज वो मेहमान आ रहे हैं जिन्हें पिछले 3 दिन से पूरे देश का मीडिया ढूंढ रहा है। बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, कल तक उधर थे आज इधर हैं, प्रवक्ता दमदार हैं, हर वक्त तैयार हैं। कल तक कांग्रेस की ढाल थे अब बीजेपी की तलवार हैं। आज पूछेंगे उनसे कि कांग्रेस से उनकी क्यों तकरार है, संबित पात्रा से इतना क्यों प्यार है, जिनके पास हर सवाल का जवाब फटाफट है। ट्रिलियन के जीरो ढूंढने वाले नए जमाने के आर्यभट्ट हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अर्थशास्त्र के जानकार, बेहद मजे हुए प्रवक्ता, बीजेपी के नए नवेले नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। स्वागत है आपका, स्वागत है गौरव जी, प्लीज कम, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए गौरव जी के लिए। आइए सर, प्लीज बैठिए। हमारे एडिटर्स हैं, गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत TV9 में आने के लिए, लेकिन बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, मुझे ही बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि जिन इश्यूज के कारण मैंने कांग्रेस छोड़ी, मैंने अपना एक पत्र भी लिखा आपने, और इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं मुझे ग्रिल करने के लिए, उन्होंने मेरे पत्र का एक एक अक्षर सभी दृष्टिकोणों से पढ़ा होगा। तो बेसिकली 3 इश्यूज थे, और मैंने ऐसा नहीं कि उन इश्यूज के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी भावना से अवगत नहीं कराया। मैंने हर वरिष्ठ नेता को, हर मींस हर, जो भी आपके जहन में जितने नेता, उनको बोला कि साहब, सनातन के विरोध में कांग्रेस के नेता अपमानजनक बातें बोलते हैं, अलायंस पार्टनर सनातन को गाली देते हैं, उसका रिएक्शन दीजिए। पर कांग्रेस पार्टी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा साहब, पॉलिटिकल लाभ हानि अलग चीज़ होती है, पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना एक पॉलिटिकल पाप है, इस पाप को मत कीजिए। अच्छा, मैं पूरा शो हमारा आपसे इसी पर है होगा, लेकिन एक बात बताइए, हमने आपका अभी शो पर आने से पहले ट्विटर का प्रोफाइल देखा, उसमें मोदी का परिवार नहीं, अभी परिवार का हिस्सा नहीं मानते आप? देखिए, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ट्विटर हो या फेसबुक हो या आर्टिकल हो, मैं खुद करता हूँ। कल परसों मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। ये वैसे किस पे तंज है कि आप खुद करते हैं? मेरी बात तो सुनिए आप। जी जी, प्लीज गो। मैं स्वयं लिखता हूँ, स्वयं करता हूँ, मेरे पास कोई इस तरह के सहायक नहीं है, तो मैं करूँगा, वो भी करूँगा। पर इतना ज़्यादा अगर आप मेरे को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हर चीज़ पे रिएक्ट करूँगा, हर चीज़ पे ये गालियाँ देना, किसी को व्यक्ति विशेष को नाम लेके बोलना, ये खराब है ये अच्छा है, मैं नीतियों की बात ज़्यादा करता हूँ। हो सकता है उसमें मैं कुछ देर हो जाए, कुछ मेरे से विलंब हो जाए, आपको लगे कि साहब 5 दिन से आपका ट्विटर प्रोफाइल में चेंज नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ, क्योंकि मैं अकेला ही अपना काम करता हूँ। परसों मैंने ज्वाइन किया, कल आप जैसे लोगों ने मुझे सुबह से शाम सवालों से मेरा गला बैठा दिया। मैं पिछले 4 महीने में टीवी शो में भी नहीं गया आपको, और जितने भी यहाँ पर एडिटर्स बैठे हैं, आप सब लोग इनसे पूछ सकते हैं कि मैं 4 महीने में आपने मुझे कोई टीवी शो में देखा, मेरे को कोई प्रेस वार्ता करते देखा? आपको मिस कर रहे थे वैसे हम लोग। नहीं, अंशुमान जी बैठे हैं, अंशुमान जी, बजट पे मैं हर वर्ष प्रेस वार्ता करता हूँ, इस बार आपने देखा मुझे? क्योंकि मैंने कहा पार्टी को कि जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे, मैं टीवी में आपके लिए डिफेंड नहीं करूँगा। ये मैंने उनको कहा, जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा में या भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाओगे। किससे कहा आपने ये? मैं सब एक हो तो बताऊँ ना, और मैं कह रहा हूँ नाम, मैं कह रहा हूँ आपके जहन में कांग्रेस के जितने नेता आ रहे हैं उनको कहा कि आप, पहले बोले साहब वो एक इवेंट है। मैंने राहुल जी से आपने कहा ये? मेरी बात सुनिए, पहले बोले साहब वो इवेंट है। मैंने कहा अच्छा, इवेंट है,
अब चले जाओ, अब किसने रोका, अब क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा आप वहाँ जब तक दर्शन नहीं करोगे मैं टीवी पे बैठ के आपको डिफेंड नहीं कर सकता, ये मैंने बोला उनको। बजट के ऊपर प्रेस वार्ता करने का समय आया, मैंने कहा मैं सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, जो अपनी पूंजी लगाकर आइडिया लगा के पैसा कमाता है मैं उसको राष्ट्र निर्माण में रेस्पेक्ट दे सकता हूँ, गाली नहीं दे सकता। हर वेल्थ क्रिएटर को, एयर इंडिया का विनिवेश हुआ तो जिस समूह ने खरीदा कांग्रेस पार्टी ने, उसको गाली देना चालू कर दिया। मैंने रोका कि हर बिजनेस समूह खराब नहीं हो सकता। एक बिजनेस समूह के सीईओ ने मोदी जी की तारीफ कर दी तो उस बिजनेस समूह के पीछे गाली कर देना चालू कर दिया। अडानी और अंबानी को सुबह से शाम मैंने कहा साहब सेबी की रिपोर्ट आ गई है, अब अडानी के ऊपर बात करना हम जनता का और सेबी जैसी संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, अब बंद होना चाहिए। मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ प्रेस वार्ता करी, पर सेबी की रिपोर्ट आने के बाद मैंने अडानी का नाम लेना बंद किया, क्योंकि कहीं तो रुकना पड़ेगा, कोई तो संस्था के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सुबह से शाम गाली दो और भागो, वो नीति से ना तो ये युवा आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ना देश के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप सत्ता तो छोड़ दीजिए, सशक्त विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाते? और मेरे पत्र में एक शब्द आपने पढ़ा हो निशान जी, तो दिशाहीनता मैंने एक शब्द लिखा, डायरेक्शनलेस। और डायरेक्शनलेस का अर्थ ये है, आज ईवीएम टेम्परिंग, ईवीएम हैकिंग की बात, कल कास्ट सेंसस की बात, परसों अडानी अंबानी को गाली की बात, उसके अगले दिन नर्सों एम्प्लॉयमेंट की इश्यू, उसके अगले दिन अग्निवीर। अरे देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आलोचना। आप आलोचना करो तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड वो दैट शुड बी रिटर्न। आप किसी की आलोचना करो, आपको साहब गौरव खराब है, ठीक है, पर क्यों खराब है, उसको क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छा हो जाए? जब तक आप ये बातें नहीं बताओगे आप प्रिजुडाइज कहलाओगे, मेरे से जलनशील करने वाले आदमी कहलाओगे। हर चीज मेरी खराब नहीं हो सकती। क्या कांग्रेस के सारे प्रवक्ता आप ये कह रहे हैं इस वक्त जबरदस्ती ये झूठ बोल रहे हैं, जबरदस्ती उनसे बुलवाया जा रहा है? कौन बोल रहा है? सारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है। मैंने किसी का नाम, मैं क्यों किसी का नाम लूं? मैंने उनके साथ काम किया है और मैं कॉरपोरेट में बरसों बरस नौकरियां कर चुका हूं साहब, एक एथिक्स भी होती है। मैं नहीं, लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं उससे तो आप डायरेक्शनलेस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब या तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सवाल है या राहुल गांधी को लेकर सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो निर्णय ले ही नहीं पा रहे, मैं उनके लिए क्या सवाल करूं? मैं तो उनके स्वयं का, उनका जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था मैं स्वयं उनके साथ घूमा। इज ए वंडरफुल ह्यूमन बींग, पुनः दोहराता हूँ वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, पर वो निर्णय नहीं ले पाते।